हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमबीजीआई क्लास 9 इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट फिजिक्स लेसन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स टुडेज टॉपिक व्हाई इलेक्शंस, इलेक्शन क्यों होती है। तो इन केस ऑफ हरियाणा, ये गिव योर बुक आई स्टोरी केस ऑफ हरियाणा की द इलेक्शन ऑफ 1987 हेल्ड इन हरियाणा। तो द रूलिंग पार्टी ऑफ द कांग्रेस इन द इलेक्शन इन 1982, बट इट वॉज अनपॉपुलर। लेकिन वो क्या हुई अनपॉपुलर, शो द अपोजिशन पार्टी इस लीडर वॉज चौधरी देवीलाल एंड ही वॉज स्टार्टेड अ न्यू मूवमेंट हिज कॉल्ड नया युद्ध। इट मीन्स द स्ट्रगल ऑफ जस्टिस एंड ही मेक द प्रॉमिस ऑफ द पीपुल्स व्हेन ही क्रिएट हिज मैनिफेस्टो एंड ही मैनिफेस्टो ही प्रॉमिस टू कॉल ऑफ द लोन ऑफ स्मॉल बिजनेस फार्मर्स एंड द एग्रीकल्चर रिलेटेड पीपुल्स। सो it was very famous and the two reasons to win the election, firstly the Congress party was unpopular in the peoples and the promise of Chaudhary Devilal was attract to the people. So when the election are held in 1987, the Congress, the Janata Dal with the 76 seat in 1988, and the governor called the Chaudhary Devilal and the majority party designed the Chaudhary Devilal as the leader of majority party. So the governor of Haryana was called to make the government, and now the chief minister also, and after some time he call off the he promise call off the loan of agricultures, peoples, small business farmers also, as he gave his manifesto. But he was ruled on the 4 years, and the next election held in the 1991, the Congress party win and the Janata Dal was to defeat to popular supporters with the movie who hardly. So the some points are came in the front, इससे कुछ पॉइंट निकल कर सामने आते हैं। दैट द लीडर ऑफ मेजोरिटी पावर्स इनवाइट टू द गवर्नर टू द स्टेट टू मेक द गवर्नमेंट एंड अनाउंस द चीफ मिनिस्टर, फर्स्टली पॉइंट ये। सेकेंडली कि इफ द पीपुल वॉज अनहैप्पी टू गिव अगेंस्ट द नेक्स्ट इलेक्शन, अगर रूलिंग पार्टी की वो अनहैप्पी है तो नेक्स्ट इलेक्शन में क्या करेगी, दूसरे को वोट देगी। इसके अलावा द इलेक्शन आर चेंज द गवर्नमेंट एंड आल्सो द पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट है वो भी चेंज हो जाती है और पॉलिटिक्स आल्सो भी चेंज हो जाती है। एंड द पॉलिटिकल पार्टी टू ट्राई टू अट्रैक्ट द वोटर्स टू हिज फेवर्स, और जो पार्टीज होती हैं वो फेवर में करने का प्रयास करती है। तो दीज आर फोर पॉइंट। नेक्स्ट, व्हाई द इलेक्शन आर नेसेसरी, इलेक्शन नेसेसरी। तो वी हैव सीन इलेक्शन इज अ पार्ट एंड पार्शियल टू द डेमोक्रेसी। यू हैव सीन द 100 ऑफ कंट्रीज आर इलेक्शन हेल्ड इन द रेगुलर। विदाउट इलेक्शन यू हैव नॉट टू सीज द एज अ डेमोक्रेसी इन द
कंट्री, अभी भी कह सकते हैं इलेक्शन कहीं होती है, एंड द इलेक्शन गिव द पावर टू द पावर टू द पार्टी टू फंक्शन इज अ पर्टिकुलर टाइम, वर्क करने के लिए भी टाइम देती है। सो इलेक्शन इज अ वेरी कंपल्सरी बिकॉज द रूलिंग पार्टी इज आर नॉट वर्क टू फेवर फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल्स, सो ही वोट अगेंस्ट द अगेंस्ट हिम। एंड डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन वी हैव नॉट टू एड्रेस, अपना भी नहीं कर सकते कि दैट विदाउट डेमोक्रेसी इलेक्शन बिकॉज पीपुल आर इन्वॉल्व टू टेक एनी डिसीजन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट बिकॉज ही इज सेलेक्टेड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव। And we have seen the people are gathered to one place and discussion and take the decision. But without election, it is not possible. ये possible नहीं है. And without election, we have not to say as a democracy in a country also. Thank you.